देखिए, कोविड-19 तो अब कंट्रोल में आ चुका है और 100 करोड़ से भी अधिक लोगों ने टीका लगवा लिया है, लेकिन अब हम लोग क्या कर सकते हैं। एक न्यू वेरिएंट आ चुका है जिसका नाम है ओमिक्रॉन और ये अफ्रीकन कंट्री में पाया गया है जिसमें बोस्वाना है और कुछ यूरोपियन कंट्री में भी धीरे धीरे इनके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में इंडिया में भी कुछ केसेस पाए गए हैं। ये जो ओमिक्रॉन न्यू वेरिएंट है ये पुराने डेल्टा वेरिएंट से 7 से 8 गुना ज्यादा पावरफुल है। ये पहले वाले से बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हमें समझदारी से काम लेना होगा। इस बीमारी से बचने के लिए पुरानी कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। इसमें म्यूटेशन होने के कारण 2 कैरेक्टर अचीव कर लिए हैं। अब देखिए, हम लोग बात करेंगे कि ये वायरस इतना खतरनाक क्यों है। ये वायरस इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि इस वायरस के ऊपर में जो स्पाइक्स होता है वो प्रोटीन का होता है, उसमें 30 तरह का म्यूटेशन पाए जाते हैं। हम लोगों ने जो वैक्सीन लगाया था, हम लोगों के बॉडी में जो एंटीबॉडीज इंटर किया था, ये ओमिक्रॉन क्या करता है, उसको ब्लॉक कर देता है और ये स्पाइक्स के द्वारा लंग्स में इंटर कर जाता है और चिपक जाता है। देखिए, अब तक ओमिक्रॉन के बारे में ज़्यादा अच्छे से रिसर्च नहीं हुआ है जो कि इसके बारे में 100% कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन कोई दे सकता है। इसके रिसर्च में कम से कम 2 से 3 महीना का टाइम लगेगा। बस आप इतना जानिए कि ये जो पुराना डेल्टा वेरिएंट है उससे 7 से 8 गुना ज़्यादा पावरफुल है और ज़्यादा खतरनाक है। अगर हम लोग समझदारी से काम नहीं लेंगे, जो सेकेंड वेव में जो पोजीशन हम लोग को देखने को मिला था, उससे भी कई ज़्यादा खतरनाक हमको ओमिक्रॉन वायरस के कारण देखने को मिल सकता है। तो इसलिए कृपा समझदार बने। देश की नेताओं की कंडीशन आप सभी लोग जानते हो, तो खुद की जान बचाए और परिवार को सेफ करें। इस बीमारी से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।